नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और स्वागत है आपका आपके अपने हाईटेक नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज मैंने उसमें बताई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप घर बैठे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ईडब्ल्यूएस और इत्यादि फॉर्म को नेट से किस प्रकार घर बैठे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार अपने चैनल पर नए आए हो तो यार नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे इंजीनियर पाठशाला नाम से साइट है वो डालनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको एक नया इंटरफेस पेज ओपन होगा और उसके बाद में प्रोजेक्ट सेमिनार रिपोर्ट ये इस वाली साइट पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आप लास्ट में इतने दिन लास्ट में डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने नया टैब ओपन होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो विंडो पे, नया टैब ओपन होने के बाद में दोस्तों इसमें कुछ इस तरीके से डाउनलोड फॉर्म जो टैब प्रकार से आएंगे तो आप इस पर डाउनलोड फॉर्म कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बता देता हूँ। और दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और वीडियो को स्किप ना करें अन्यथा आपको समझने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ओबीसी का है, दोस्तों यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का है। इनकम सर्टिफिकेट के आवेदन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ वो आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, समझा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप ओबीसी एसबीसी कास्ट कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ये फॉर्म है, ये कास्ट प्रमाण पत्र का फॉर्म है, कास्ट सर्टिफिकेट का। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में मूल निवास के लिए आवेदन प्रपत्र को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा कि दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन प्रपत्र होते हैं जिसमें आप निजी चरित्र पत्र अर्थात पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हो, उसके लिए ये फॉर्म यहाँ पे है। किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए भी वो फॉर्म आपको यहाँ दो। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, मेरी इस वीडियो पे पिछले वाले वीडियो पे कमेंट आया था कि फॉर्म को अपन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। धन्यवाद।